नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मीराबाइन और रोशनी विहार पुलिस आयुक्तालय इस समय काफी चर्चाओं में है और ये चर्चाएं जो है ये बेहद शर्मसार करने वाली चर्चा है। दरअसल मीराबाइन और रोशनी विहार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आयुक्तालय के अलग अलग पुलिस स्टेशन में लगातार एंटी करप्शन की रेड की घटनाएं सामने आ रही और उस रेड में आयुक्तालय के अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है वो घटना कल शाम की है, जहां नालासोपारा के तुलिस पुलिस स्टेशन के एक एपीआई सहायक पुलिस निरीक्षक को एंटी करप्शन ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ, इस एपीआई के खिलाफ एसीबी के पास पर्याप्त सबूत थे और उसी सबूत के बिना पर एपीआई को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये एपीआई जो एंटी करप्शन की रेड में भी गिरफ्तार हुआ है, ये नालासोपारा के एक बैंक्वेट हॉल शादी.com अंतर्गत वहां के एक मामले में एक एफआईआर पहले लॉन्च हो चुकी थी। उस एफआईआर में जो आरोपी है उससे 1,00,000 रुपए की डिमांड कर रहा था और इसी 1,00,000 रुपए की डिमांड करने के चक्कर में ये एसीबी के ट्रैप में फंसा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब एसीबी का ट्रैप हुआ हो। इसके पहले अभी कुछ ही दिनों पहले आयुक्तालय अंतर्गत 2 लिपिक एसीबी की ट्रैप में जा चुके हैं और कुछ महीनों के अंतराल की बात करें तो अलग अलग पुलिस स्टेशन में एसीबी की रेड हो चुकी है, जिसमें कुछ अलग अलग पुलिस अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। आप सभी जानते हैं अक्टूबर 2020 में आयुक्तालय का गठन हुआ था और तब आए पहले आयुक्त सदानंद दाते के समय में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो आयुक्त थे मधुकर पांडे, इनके आने के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें एंटी करप्शन की रेड में खुद पुलिस अधिकारी धरे जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं आयुक्तालय के ऊपर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं और आयुक्तालय की कार्यशैली इस समय सवालों के घेरे में है। तो इस शादी.com से संबंधित जो शिकायत करता है, क्या उनका कुछ कहना है, अब सुनिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप ललन सिंह। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो की तुलिन पुलिस स्टेशन में रेड पड़ी है और एक पुलिस कर्मी को आरोपी बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने 1,00,000 रुपए की डिमांड आपसे की थी, क्या मामला है? हाँ सर, हमारे ऊपर पहले एक FIR हुआ था झूठा, बाद में फिर दूसरा FIR कर दिया गया झूठा, और हमारे ऊपर और हमारे वाइफ के ऊपर FIR हुआ था। बाद में पुलिस वाले ने हमारे से पैसे की डिमांड करते हुए बोलने लग गया कि अगर आप पैसा मुझे नहीं दोगे तो आपके लड़के का भी मैं नाम डाल दूंगा। तो सर मैं इतना परेशान हो गया था कि जब FIR हुए तब पैसे का डिमांड और करना धरना कुछ नहीं है, मैटर दूसरा है ना, दूसरे का मैटर हमारे ऊपर डाल डाल के ये सब बजाया जा रहा था। तो हमने फिर लास्ट में परेशान होके एंटी करप्शन का मदद लेके हमने इनको पकड़वाया है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर